हेलो गाइस, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीपी क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट्स की जो है मैथ्स का पेपर, बहुत ही खतरनाक। मुझे हमेशा से लगता था कि शायद मैथ्स पढ़ना सबसे दुनिया का मुश्किल काम है, और ऐसा हुआ भी मेरे साथ। बट आपको ना आज के वीडियो में ऐसे टिप्स दूंगा कुछ जो आपका जो स्ट्रेस होता है ना मैथ्स के पेपर को लेकर वो कम कर देगा। क्योंकि जब मैथ्स का पेपर आने वाला होता है ना तो लगता है बस दिमाग फट ही जाएगा मेरा, और हालत हो जाती है कि बस रो पढ़ो, पेपर निकल जाए, मैथ्स का पेपर निकल जाए। इतनी टेंशन हो जाती है, इतनी स्ट्रेस हो जाता है माइंड के ऊपर कि बस भगवान मैथ्स का पेपर निकाल दो कैसे भी करके, बस फिर मैं सारी चीज़ें कवर अप कर लूँगा, बाकी सब्जेक्ट्स में कवर अप कर लूँगा, बस मैथ्स का पेपर निकल जाए। और इस साल जो बच्चे मैथ्स का पेपर देने जा रहे हैं उनका उनके साथ तो हुआ ही कुछ अजीब है। पूरे साल कोरोना की वजह से इतने सारे चेंजेस आ गए, बदलाव आ गए, तो फाइनली जब, क्योंकि हम सबको बताया कि अब डेट शीट तो आ ही चुकी है, अब आपके सामने है मैथ्स का पेपर जो होने वाला है मई में, है ना। तो ये जो पेपर होने वाला है क्लास ट्वेल्थ का, उसके लिए अब करीब करीब 2 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। तो अब आपको ना कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर जो आपको हेल्प करेंगी कि मैथ्स में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं या केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए ना तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर करना। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि वेक्टर और 3D ज्योमेट्री और कैलकुलस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 14 और 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 14 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन इनमें से आते हैं। इसके बाद नंबर आता है आपका एलजेब्रा का, जहाँ से आपको 10 क्वेश्चन, फिर आता है प्रोबेबिलिटी और रिलेशन एंड फंक्शन से 8 क्वेश्चन, और लीनियर प्रोग्रामिंग से आते हैं आपके पास 5 क्वेश्चन। यानी कि सबसे पहले आप ना अपने सिलेबस में से ये ध्यान रखिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि जब यही नहीं पता होगा तो तैयारी किस तरीके से करोगे आप। तो ये डिसाइड कर लो, पहले ये अपने पास नोट डाउन कर लो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे पास, ठीक है। अगला काम आपको पता क्या करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है NCERT की बुक उठाइए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं पहले, चलो 2015 से और 2020 तक का जो स्टडी किया गया ना उसमें, मतलब कि देखा गया पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। पिछले 5 सालों में ये हुआ है 50% आसान क्वेश्चन आते हैं, 30% नॉर्मली मॉडरेट रहते हैं, और 20% ही होते हैं जो सिर्फ टफ क्वेश्चन होते हैं। यानी कि आप अपने दिमाग में से ये निकाल दो कि पेपर बहुत टफ आता है। पूरा पेपर अगर टफ बनाएंगे ना तो भाई मेरे सारे बच्चे फेल हो जाएंगे फिर। तो पूरा पेपर कभी भी टफ नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है, आपको NCERT की बुक्स में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा NCERT पे फोकस कर सकते हैं ना उतना ज़्यादा NCERT पे फोकस करिए। NCERT आपके आंसर शीट के ऊपर ना 4 चांद नहीं बोलूँगा, 8 चांद लगा सकती है, बशर्ते आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अच्छा, इस बार जैसे हम जानते हैं कि इस बार तो केस स्टडी वाले भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखो, क्योंकि पहली बार आएंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस, तो उम्मीद पूरी पूरी है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अब इसके लिए ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं मैथ्स में आपके जहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर बन सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट्स हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गई, यहाँ से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस उठ के आपके पास आ सकते हैं। तो जहाँ से भी मिले आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इंटरनेट से मिलते हैं, किसी सैम्पल पेपर की बुक से मिलते हैं, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। देखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सब जानते हैं इस बात को, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया आपका पेपर जाने वाला है, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है इस पेपर के अंदर कि, ठीक है। अच्छा, एक गलती और करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, कम से कम स्टेप्स लिखते हैं। 10 स्टेप में एक आंसर सॉल्व होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बट वो कम से कम स्टेप्स में उसको कर करू के अपना निकल लेते हैं पेपर दे के। अब ऐसा पता क्यों होता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे फास्ट सॉल्यूशन करना है। बट यार एक चीज़ समझ लो, बोर्ड के पेपर में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह सॉल्यूशन नहीं करना है आपको, आपको हर स्टेप मेंशन करना है अपने एग्ज़ाम के अंदर, अपने आंसर शीट के ऊपर। अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो नंबर कटने वाले हैं आपके, और
मार्किंग स्कीम में तो हर स्टेप के लिए अलग से नंबर डिसाइड किए जाते हैं, तो अगर आप वो स्टेप ही नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली आपके नंबर कटने वाले हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इतनी सारी ज़रूर याद रखना। और मैं एक बात बताऊँ आपको, मैथ्स सच बताऊँ इतना मैथ्स मुश्किल सब्जेक्ट भी नहीं है जितना शायद मुझे भी लगता था उस टाइम पर, और शायद आप में से जो वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको भी ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगता होगा। बट जो आज टिप दिए ना मैंने, आप छोटी छोटी टिप हैं ये, इनको ध्यान रखो, टॉपिक्स समझ लो कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, एनसीईआरटी को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाओ, सैम्पल पेपर उठाओ, स्टेप्स का ध्यान रखो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, अपनी कैलकुलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ और ज़्यादा प्रैक्टिस करो चीज़ों को सॉल्व करने की। और जब आप ये सब करने लगेंगे ना तो आप बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं ऑल दो मैथ्स से नफरत करता हूँ एक तरह से, बट फिर भी 12th में मेरे आ गए थे 84 मार्क्स आउट ऑफ 100। जी हाँ, ऐसा स्टूडेंट जो मैथ से नफरत करता था उसके भी 84 मार्क्स आ गए थे, बिकॉज ये टिप्स जो आपको बता रहा हूँ ना ये मैंने भी फॉलो किए थे। अगर आप ये टिप्स ढंग से फॉलो कर लेंगे, सच बोल रहा हूँ, आपके नंबर आ जाएंगे इस पेपर के अंदर, जो कि लगता है हमें बहुत टफ है, जबकि टफ वो है नहीं। ठीक है गाइज, तो वीडियो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जहाँ पर है मैथ्स फोबिया, जिनको लगता है मैथ से बहुत ज़्यादा डर, तो ये टिप फॉलो करेंगे वो भी फॉलो करेंगे तो वो आगे शेयर करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आपके पास आते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।